हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ स्टडी में। आज हम आपको यूपी कैबिनेट मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया है जो कि डिप्लोमा होल्डरों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसमें कहा गया कि इसमें पूरी जानकारी आपको हम वीडियो बताएंगे। ये कहा गया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव, उच्चतर शिक्षा वालों को भी मिलेगा भर्ती में मौका। यानी अब जो है डिप्लोमा वाली भर्ती में आरईएस में डिग्री वाले भी शामिल हो जाएंगे इस नियमावली में बदलाव करने से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। करा कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अवर अभियंता पद पर अब बीटेक व समकक्ष शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। कैबिनेट ने इस सेवा में उच्चतर शिक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने के लिए ड्राइंग अधिष्ठान सेवा नियमावली 1983 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और ये खबर देखिए 17 अगस्त 2021 को 8:10 पर खबर है। करा की लखनऊ से खबर है। करा उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में अब अवर अभियंता प्रावैधिक के पद पर बीटेक व समकक्ष योग्यता वाले अभ्यर्थी की भी भर्ती होगी। कैबिनेट ने इस सेवा में उच्चतर शिक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों को भी अवसर दिए जाने के लिए ड्राइंग अधिष्ठान सेवा नियमावली 1983 के संशोधन के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा नियमावली 1983 में संगणक वर्तमान में परिवर्तित पदनाम अवर अभियंता प्राविधिक के पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताओं में उत्तर प्रदेश प्रावैधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक डिग्री या समकक्ष अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिए जाने का रास्ता खोल दिया है। इस प्रावधान से उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थी भर्ती का अवसर पा सकेंगे। मृतक आश्रित कोटि की ही भर्ती में भी इसका प्रभाव पड़ेगा।